सच साहस सरोकार। शाहजहांपुर में सामूहिक विवाह योजना का होगा आयोजन। सामूहिक विवाह में कई जोड़ों का संपन्न होगा विवाह। कानपुर में प्रेस क्लब के स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम। अध्यक्ष अवनीश दीक्षित ने पत्रकारों को दी शुभकामनाएं। कानपुर में युवाओं ने विधायिका से स्टेडियम की थी मांग। घाटमपुर कस्बे में बनेगा स्टेडियम। फरीदाबाद में सांसद खेल महोत्सव का तीसरा दिन। ग्राउंड में पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। औरैया में गोलीकांड मामले में पुलिस ने किया एक्शन। नामजद 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति के रूप में 18 दुकानें कुर्क कर ली हैं। पुलिस प्रशासन ने महमूदाबाद थाना क्षेत्र के यूसुफपुर महमूदाबाद बाजार में स्थित दुकानों को कुर्क किया है। ये दुकानें मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर अंसारी के नाम से दर्ज हैं। पुलिस प्रशासन ने डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार के चचेरे भाई के नाम दर्ज 26 लाख रुपए कीमत की 18 दुकानों को सीज कर दिया है। साहब, माफिया मुख्तार अंसारी पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से। इसी क्रम में आज मुमदाबाद में मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति, जो उसके चचेरे भाई मुख्तार अंसारी की बताई जा रही है, कुर्क की गई है। जैसा विदित है, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अपराधी द्वारा आपराधिक कृत्यों से जो कमाई की जाती है, उससे जो भी संपत्ति अपने नाम या किसी अन्य के नाम ली जाती है, तो उसे कुर्क करने का और जब्त करने का प्रावधान है। उसी के तहत कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के द्वारा थाना मोहम्मदाबाद में अपने चचेरे भाई मंसूर के नाम से दुकानें बनवाई गई थी, जिनका चिन्हीकरण किया गया था। फिर विधिवत उसका आदेश जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्गत किए गए। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में चल रहे सांसद खेल महोत्सव में तीसरे दिन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सांसद खेल महोत्सव को लेकर देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि सांसद खेल महोत्सव के जरिए खिलाड़ियों को एक नया मुकाम मिलेगा। साथ ही इस मौके पर उन्होंने बीते दिन खिलाड़ियों के खाने में कीड़े मिलने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जो हुआ वह बेहद गलत हुआ है और आगे इसमें सुधार किया जाएगा और अधिकारी अपनी देखरेख में खाना बनवाएंगे। सांसद खेल सब जो शुरुआत मौसम की शुरुआत की है और हमारे लोकप्रिय सांसद केशवपाल गुर्जर जी का धन्यवाद, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मनोहर जी का धन्यवाद और तमाम सारे अधिकारी गणों का धन्यवाद जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की इस नीति को आगे बढ़ाने का काम किया। सभी खिलाड़ियों का, खेल अधिकारियों का धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। और इस समय इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है लगातार सबको से, कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई कार्यक्रम ना चल रहा हो इस क्षेत्र में। ये बहुत बड़ी एक शुरुआत है। क्रिया जैसे औद्योगिक क्षेत्र में आदमी तनाव में रहता है, तनाव से मुक्ति मिलती है, बच्चे आगे बढ़ते हैं, शारीरिक इसका लाभ मिलता है। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिरोजाबाद में राजेंद्र सिंह विद्यालय में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की तरफ से पूर्व सैनिक पूर्व मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व सैनिकों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया और पूर्व समय से आ रही स्थायी पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से जिला मुख्यालय के समीप स्थायी कार्यालय के बारे में चर्चा की गई, जिसमें अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे जिला सैनिक अधिकारी विपिन कुमार कटिहार ने सभी समस्याओं को सुनते हुए सभी का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। सकें उनको सम्मानित कर सकें। हमारी सेकंड बोर्ड वॉर की विधवाएं हैं और हमारे उच्च स्तर के जो
वीरता और विशिष्ट सेवाओं से सम्मानित जितने भी उनके परिवार के गण हैं उनको सम्मान दे सकें, पूर्व सैनिकों को सम्मान दे सकें, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं समस्त पूर्व सैनिकों ने जिसमें इसमें आज भाग लिया उसका धन्यवाद तहे दिल से देना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पर मैं ज़िला अधिकारी महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम जिला प्रशासन के सहयोग। कानपुर में क्षेत्रीय विधायिका के लाख कोशिशों के बाद घाटमपुर कस्बे में सीएनडीएस की टीम ने स्टेडियम का सर्वे किया है। मौके पर घाटमपुर विधायिका सरोज कुरील समेत सीएनडीएस की टीम मौजूद रही। आपको बता दें कि बच्चों को खेल कूद के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता था और बाहर जाकर पैसे खर्च कर प्रैक्टिस भी करते थे, जिससे घाटमपुर के युवाओं ने जनप्रतिनिधि घाटमपुर विधायिका से स्टेडियम की मांग की थी। विधायिका ने युवाओं की मांग की गंभीरता देखते हुए खेलो इंडिया खेलो प्रोजेक्ट के तहत 11 बीघे की जमीन पर स्टेडियम का प्रस्ताव विधानसभा में भेजा है। स्टेडियम जो चयनित हुआ है ये हमारे नगर पालिका की जमीन पे चयनित हुआ है। इन्होंने अपना पूर्ण कार्य करके और ये दिया है कि यहाँ की जो जनता लड़के जो कि खेल में सबसे ज़्यादा आगे होने की कोशिश करते हैं, और हमारे भूप जी जो हैं वो काफ़ी इस चीज़ के लिए प्रयासरत थे कि एक स्टेडियम यहाँ होना चाहिए। शाहजहाँपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम को संपन्न कराने की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी श्याम बहादुर सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि जिले के कई जोड़े मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से लाभान्वित किए जाएंगे। विवाहोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है और कल 1313 जोड़ों का विवाह यहाँ पर संपन्न होना है। इसके लिए हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को विधानसभा क्षेत्रवार बांट दिया है। ये विधानसभा क्षेत्र के सारे विवाह के जोड़े और उनके परिजन के विवाह की और भोजन की व्यवस्था वो एक साथ की गई है। एक बड़े मंडप में उन सब लोगों की व्यवस्था की गई। नगर निगम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने चुनावी प्रचार की कमान संभाल ली है। फरीदाबाद में चुनाव प्रचार की कमान डॉक्टर अशोक तंवर ने संभाली। अशोक तंवर द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया जिसमें उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा खूबियां गिनाई, इसके साथ ही भाजपा पर जमकर बरसे। करेगी ऐसा हमें पूरा यकीन है। मिस कॉल नंबर जारी किया आपने, एक बार वो नंबर फिर से बता दीजिए और क्या मकसद है उसका। मिस कॉल नंबर आम आदमी पार्टी ने कल पूरे हरियाणा में सदस्यता अभियान शुरू किया है। एक महीना ये सदस्यता अभियान चलेगा 10 अप्रैल तक, और इस बीच में हर गली मोहल्ले हर घर घर जाएंगे हम लोग। 10 लाख लोगों को आम आदमी पार्टी और अरविंद जी की सोच के साथ जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। और मिस कॉल नंबर है 76588000। सर दूसरी पार्टी शांत बैठी दूसरी पार्टियां शांत बैठी हैं, आपने चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, क्या कहेंगे? देखिए उन पार्टियों में अब दम नहीं बचा है। संभल में अधिशासी अभियंता के दुर्व्यवहार एवं तानाशाही रवैया के विरोध में उतरे अधीनस्थों ने कार्य बहिष्कार कर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। साथ ही अधीक्षण
अभियंता को भेजे गए पत्र में अधिशासी अभियंता का ट्रांसफर करने या सामूहिक रूप से समस्त टेक्निकल स्टाफ का स्थानांतरण करने की मांग की गई। हम लोग जो है सभी अभियंता और सभी सहायक अभियंता और सभी जो है हमारा क्लरिकल स्टाफ मिनिस्ट्रियल जो हमारा स्टाफ है वो सभी हमारी साथ है और अधिशासी अभियंता का हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा अपने अधीनस्थ चाहे सहायक अभियंता हो अभियंता हो या हमारा क्लरिकल स्टाफ हो सबके साथ दुर्व्यवहार कराया जाता है। शाहजहांपुर में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा होली मिलन समारोह एवं कायस्थ समागम 2023 का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वन्य एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष सरोज कुमार श्रीवास्तव ने कायस्थों को संगठित होने का आह्वान किया। परिवार के लोग उपस्थित हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को खुशियाँ दे रहे हैं और मैं तो यही कहता हूँ होली इज ए होली फेस्टिवल। होली का त्यौहार सच्चाई की जीत है, होली की जीत, होली धर्म की जीत है, होली हमारी सभ्यता का प्रतीक है। औरैया में गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नामजद 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तमंचा बरामद किया है। इसके साथ ही एएसपी ने बताया कि घटना में शामिल 2 आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी बदलने को लेकर विवाद हुआ था, बाद में उन्होंने दुकानदार के ऊपर फायरिंग की थी। ज्वेलरी की दुकान पर सामान वापस करने आई थी कल, उस ज्वेलरी को वापस करने को लेकर के दुकानदार में उनमें कुछ कहा सुनी हुई होगी। वो लड़की वापस जाती है घर, ब्रजेंद्र सिंह ने शिकायत की। ब्रजेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ अवैध तमंचों के साथ दुकान पर आए और दुकानदार को मारने पीटने लगे, जिसका पहले विरोध दुकानदारों द्वारा किया गया। दुकानदारों को विरोध करने पर ये अपने साथियों के साथ अवैध असले से फायरिंग कर दी, जिसमें 3 जो राहगीर थे, 1-2 व्यापारी भी थे, वो घायल हो गए। उनको उपचार के लिए तत्काल रवाना किया गया। ब्रजेंद्र सिंह को और इनके एक साथी को व्यापारीगढ़ द्वारा वहीं पर अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद बाकी जो 4 बचे थे। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री कानपुर में कथा करने आ रहे हैं। बता दें कि 17 से 21 अप्रैल वे कानपुर में रहकर कथा करेंगे, जिसमें करीब 10 लाख भक्तों की भीड़ जुटने का अनुमान है। तो वहीं कानपुर शहर के भीतर कोई भी इतनी बड़ी जगह नहीं मिल पा रही है जहाँ पर ये आयोजन किया जा सके, जिसके बाद अब सचेंडी थाने के पास 35 बीघा खाली पड़ी जमीन पर आयोजन कराने पर विचार प्रस्तावित किया गया है। कानपुर वासियों को हनुमंत कथा वादिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समस्त कानपुर वासियों से इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण व सभी लोगों को जो भी हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, कानपुर नगर के वासी हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में आए, सम्मिलित हों, हनुमान जी के इस हनुमंत कथा को मिलजुल कर सब लोग एक साथ शामिल होकर के इस कथा के आयोजन में सम्मिलित हो। बागेश्वर बालाजी के चरणों में कानपुर के गोरक्षा वाहिनी गो सेवा संघ संस्थापक श्री बालाजी सेवा समिति के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील शुक्ला जी आप बागेश्वर बालाजी के चरणों में अनेक दिनों से आ रहे हैं और इनकी ऐसी इच्छा थी कि कानपुर वासियों को बागेश्वर बालाजी की कृपा का प्रसाद मिले, भगवान की कथा का।
कानपुर प्रेस क्लब के स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केक काटकर स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अवनीश दीक्षित ने सभी को कानपुर प्रेस क्लब की तरफ से बधाई दी। मुख्य अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर श्री संतोष जी महाराज ने केक काटकर सभी पत्रकार साथियों को शुभकामनाएं दी और कानपुर प्रेस क्लब को ऊंचाई तक ले जाने की बात कही। क्लब का स्थापना दिवस मनाया गया है। श्री संतोष दास महाराज जी, सीनियर एडवोकेट सुनील त्रिपाठी जी और प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारियों ने यहाँ पर केक काट के स्थापना दिवस मनाया गया है और महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया है। प्रेस क्लब की तरक्की के उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि 1963 से ये प्रेस क्लब स्थापना दिवस स्थापित हुआ था, तब से आज तक लगातार प्रेस क्लब का ही समाज। हरदोई में आलू की खुदाई कर रहे किसान के साथ दबंगों ने मारपीट की है। अपने पुत्रों के साथ आए दबंगों ने खेत में पिपरमेंट लगाने के लिए बोला। मना करने पर दबंगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजनों ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद परेशान पीड़ित ने SP से शिकायत की है। ASP ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। क्या मामला है और कहां शिकायत करने है और किसने आपके साथ मारपीट की है? खल्लू संग और उनके लड़का थे और थाने गए, हमने पता लगा हमारे का बाहर निकाल दिया, बैठे रहे अंदर ही। क्या वजह रही, क्यों मारपीट की? ये पिन नहीं लगा हुए पीछे। क्या नाम है आपको? नरेश। औरैया में कोतवाली के अंतर्गत संकट मोचन मंदिर वाली गली में गोलीकांड में 3 लोग घायल हो गए, जिसको लेकर सपा विधायक प्रदीप यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद, अनूप गुप्त घाले, टिम्पल सविता के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इसके अलावा व्यापारियों से भी मुलाकात करते नजर आए। वहीं प्रदीप यादव सपा विधायक ने कहा कि इस समय अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, बीच बाजार में ऐसी घटनाएं बहुत ही दुखद है। बीच बाजार में व्यापारियों के साथ ऐसी घटना कर देते हैं, ये सबसे ज्यादा दुखद घटनाएं हैं। जब तक व्यापारी सुरक्षित नहीं रहेगा, प्रदेश में व्यापारी और किसान ही सुरक्षित रहना चाहिए। और व्यापारी जो बाजार में बैठ के इतनी घनी आबादी में व्यापार करता है, अपना सही काम करता है, उस पर सरेआम जो फायर कर दी जाती है, घायल कर दिए जाते हैं, इसका मतलब अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।